यूपी के नोएडा का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला नशे में धुत होकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है और बगल में पुलिस तमाशा देखती रह जाती है। दरअसल मामला ये शुक्रवार रात सेक्टर 121 के अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी की है, जहां पर लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया है। हैरत की बात है, जिस समय लड़की गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही थी उस समय वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन गार्ड को बचाने की जगह तमाशा देखती रही। बाद में पुलिस ने शांति भंग की धारा में फेस 3 थाना क्षेत्र में दो लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़कियां कार से सोसाइटी पहुंची थी, कार पर स्टिकर नहीं लगा था, इसीलिए गार्ड ने गेट नहीं खोला। इस बात पर वे भड़क गई और जमकर ड्रामा किया। तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहना पंकज, खड़े रहना, खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तीन लड़कियां शराब के नशे में धुत है। इनमें से एक ने गार्ड का कॉलर पकड़ा और उसकी टोपी फेंक दी। इस दौरान गार्ड पीछे हाथ बांधकर खड़ा रहा। लड़की किसी विषय के बारे में पूछ रही है। वीडियो में दिख रहा है हंगामा करने वाली लड़की ना ठीक से खड़ी हो पा रही है और ना ही बोल पा रही है। इस दौरान उसके साथ खड़ी एक लड़की उसे यह सब करने से मना करती है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह कहती है मेरा बाप भी तो कुछ है। हंगामा कर रही लड़की के दोस्त और मोबाइल लेकर वीडियो बनाती हुई दिख रही है। तो वहीं इस पर पुलिस ने बताया कि लड़कियां अजनारा होम्स में किराए पर रहती हैं। ADCP SS खान ने बताया कि दोनों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 1 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती नशे में धुत है। कॉलर पकड़ने वाली लड़की का नाम अंजलि है और नैनीताल की रहने वाली है। वहीं दूसरी काकुल है। अंजलि का फूड सप्लीमेंट का काम है, जिसे जिम में सप्लाई किया जाता है। VideoDex AmarUjala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।